अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मेरे बन जाओ के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फरदीन और अजमिया की शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन जकी ने उन दोनों के ऊपर काफ़ी कड़ी नज़र रखी हुई है क्योंकि वो जानता है कि फरदीन की क्या नियत है अजमिया को लेके। और साथ ही साथ जकी का दिल भी टूटा हुआ है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अजमिया की शादी उसके अलावा किसी और से हो, लेकिन वो अपनी हैसियत के हाथों मजबूर है और वो समझता है कि वो जिस हैसियत से ताल्लुक़ रखता है तो अजमिया जैसी लड़की कभी भी उसकी साथी नहीं बन सकती। अब दूसरी जानिब देखा जाए तो फरदीन वाकई गलत हरकतों में पड़ा हुआ है और वो चाहता है कि अजमिया उसके साथ कहीं बाहर मिलने जाए और वो इसके लिए एक होटल का रूम भी बुक करा रहा है, लेकिन अजमिया को समझ में नहीं आ रहा कि वो ये सब क्यों कर रहा है और उसके क्या इरादे हैं। जब भी इस बारे में अजमिया फरदीन से सवाल करती है तो वो यही कहता है कि मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ और तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेंगी। अब इन्हीं बातों को लेके फरदीन ढोलकी वाले दिन अजमिया के कमरे में चला जाएगा, लेकिन अजमिया उसको मना करेगी और कहेगी कि तुम इस कमरे से जाओ, तो फरदीन कहेगा मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तुम रिलैक्स रहो, मुझसे डर क्यों रही हो। लेकिन कहीं ना कहीं अजमिया को लग रहा है कि फरदीन के इरादे गलत हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। इसी के साथ ही जकी ने अजमिया और फरदीन की शादी का सारा काम संभाला हुआ है और हर काम के लिए जकी को बुलाया जा रहा है और फरदीन ने तो बिल्कुल जकी को एक नौकर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जकी की बहन ने शादी से इनकार कर दिया है और उसके बाद जब अजमिया और फरदीन की शादी में जाने की बात हो रही थी जकी के घर में, तो जकी की बहन उनको कह देती है कि तुम लोग इतनी तैयारी क्यों कर रहे हो, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है और वैसे भी अगर हम वहाँ जाएंगे भी तो अभी हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं होगा। अब जब अजमिया फरदीन के साथ बाहर जाने से इनकार करेगी तो फरदीन उसको यही धमकी देगा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गई और मैंने जो कुछ भी तुमको करने को कहा तुमने अगर नहीं किया तो ये शादी ख़त्म समझो और फिर सोच लो कि अगर तुम्हारी शादी एंड टाइम पे ख़त्म हो गई तो ज़माना तुम्हारे साथ क्या करेगा और तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। अब जैसे कि अजमिया फरदीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और उसकी नाराज़गी से हमेशा डरती रहती है, तो वो ये गलत कदम भी उठा लेगी और फरदीन के साथ बाहर मिलने के लिए चली जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।